वेलकम टू माई ट्रैवल व्लॉग। सवाई माधोपुर रणथंबोर राजस्थान में आज मैं आपको ले चलूँगी। और ये दोस्तों देखिए, मुंबई एक्सप्रेसवे बहुत ही शानदार रास्ता, अभी थोड़ा सा रह गया इसका बनना, लेकिन गजब। तो दोस्तों बारिश का मौसम है, इसलिए आप देख सकते हैं रास्ते में पानी जमा है, लेकिन प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा। इस पर स्पीड से चल रही हैं गाड़ियां, आप देखें दोस्तों। हम आ पहुंचे हैं अनंता पैलेस सवाई माधोपुर में, यहाँ हमारा ठहराव था, हम दो दिन यहाँ रुके थे। बहुत ही सुंदर पैलेस है, दरअसल ये विवाह समारोहों के लिए एक अच्छा प्लेस है, ये यहाँ पर विवाह समारोह होते हैं। और बहुत ही सस्ता और टिकाऊ यहाँ पर हमें कमरे मिल गए, और क्योंकि ऑफ सीज़न था इसलिए हमें थोड़ी सी उन्होंने रियायत दी, छूट दी थोड़ी, किराया कम था लेकिन सुंदर बना हुआ था। इस तरह से ये गेट बनाए जाते हैं जब कोई शादी होती है, कोई समारोह होता है, लेकिन प्रकृति के बीचों बीच ये बना हुआ है। आप यहाँ हरियाली देख सकते हैं, ये सामने आप देख रहे हैं कमरे, और कुछ कमरों का निर्माण और किया जा रहा है। और यहाँ पर लोग आते हैं, छोटे मोटे फंक्शन भी कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से कमरे हैं, और बाहर देखिए मूड़े रखे हैं। मौसम क्योंकि बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा मौसम था, इसलिए बाहर बैठने का आनंद ही कुछ और था। थोड़ी देर शांत बैठकर आप चिड़ियों की चहचहाट सुन सकते हैं, आप पेड़ों से बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति से बात करना अपने आप में ही एक अद्भुत अनुभव होता है। देखिए इतने ऊंचे पेड़, ठंडी हवा थी, यहाँ रिमझिम हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं थी लेकिन रिमझिमी थी। 15 अगस्त के आसपास, 15 अगस्त को तो आपको पता ही है बारिश ज़रूर होती है। और ये देखिए नज़ारा, देखिए सुंदर। और अब मैं आपको ले चलूँगी पीछे की तरफ, जहाँ पर गार्डन है, जहाँ पर समारोह होते हैं। देखिए ये आप मेरे साथ देखिए, बाहर बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये देखिए आप दोस्तों। यहाँ से जाने के बाद मैं आपको ले चलूँगी खाने की तरफ, डाइनिंग हॉल की तरफ। बहुत स्वादिष्ट खाना होटल वालों ने परोसा, बहुत ही बढ़िया राजस्थानी खाना था, बहुत आनंद आ गया। और 15 अगस्त की रात को ही हम लोग बाज़ार गए, वहाँ पर राखी की दुकानें खुली हुई थी, कुछ दुकानें बंद थी रात को लेकिन कुछ खुली हुई थी। देखिए लुम्बा, यहाँ पर लुम्बा बिक रहा था, यहाँ पर राखियों के साथ लुम्बा भी, तो आप देखिए 20-15 रुपये। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देखिए स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन कितना सुंदर सजा हुआ है, तीनों रंग इसमें आए हमारे झंडे के, जय हिंद। तो दोस्तों अब मैं आपको ले चलूंगी रणथंबोर टाइगर रिज़र्व। हालांकि सीज़न में बंद था ये, बहुत उसमें कम से कम 8 या 9 गेट थे और सिर्फ 3 और 4 गेट खुले थे, क्योंकि बारिशों के मौसम में जंगल में पानी भर जाता है। आप रास्ते में सुंदरता देखिए, प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ बिखरा हुआ है। रणथंबोर की मुझे खासियत लगी कि यहाँ प्रकृति और धार्मिक आस्था ये दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि मंदिर भी बहुत सारे थे, इसी तरह प्रकृति ने भी अपना जलवा बिखेरा हुआ था हर जगह पे। रुनझुन रुनझुन सुनाई देती है पेड़ों की, पक्षियों की आवाज़ें आती हैं यहाँ, देखिए जीने का आनंद है तो यहाँ आप ले सवाई माधोपुर में जीने का
मज़ा बहुत है। क्यों? उसका कारण यह है, एक तो थोड़ा सा ये छोटा है, सबसे बड़ी बात है छोटी जगह है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य से माला माल है। ये एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं, लेकिन उसका एक मौसम होता है, अक्टूबर के बाद टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे। देखिए अब ये रास्ता हम जा रहे हैं अंदर जंगल की तरफ, टाइगर रिजर्व। आपको रास्ता, आप बस मेरे साथ आप आनंद लीजिए भीतर का। मैंने जैसे कि बताया, हमें वहाँ पर अंदर शेर तो नहीं दिखाई दिए क्योंकि बंद था, हमें मोर दिखाई दिए, बंदर थे, लंगूर थे, ये सब दिखाई दिए। हाँ, मैं आपको विशेष बात बताना चाह रही हूँ कि ऊपर जाकर हम त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाएंगे, और यह जो है मंदिर, यह रणथंभौर किले के ऊपर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप दूर तक नज़र, जहाँ तक आपकी नज़र जाती वहाँ तक देखिए, काफ़ी दूर तक फैला है यह जंगल, और क्योंकि बारिश का मौसम है इसलिए हरियाली आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है। पहाड़ हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं लेकिन पहाड़ हैं यहाँ पर। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें हिदायत दी गई थी कि हॉर्न नहीं बजाना और आपको अपनी कार कहीं नहीं रोकनी, क्योंकि सफारी बंद थी, हम अपनी गाड़ियों में गए थे अंदर। अगर हमने अपनी कार रोकी, फ़ोटो खींची रोक कर, तो 5,000 रुपये जुर्माना उन्होंने पहले ही हमें बोल दिया था। इसलिए हम अपनी गति से अपनी गाड़ी चलाते गए और फोटोग्राफी करते गए। हमने कहीं कार नहीं रोकी, हमने देखा था वहाँ पर जब हमने एंट्री की थी तो उन्होंने किसी की कार रोकी हुई थी, उससे फाइन ले रहे थे वो लोग। दोस्तों पानी की ना अपनी सरगम होती है, वो अपनी सरगम पर गीत गाता है और लहरें उसकी सरगम पर थिरकती हैं, आप इसको फील कर सकते हैं। इस जंगल से गुजरते हुए मुझे एक एहसास हुआ कि रात के समय यह कैसा दिखाई देता होगा जंगल, बिल्कुल घुप अंधेरा सुनसान। मुझे लगता है कि पशु पक्षी भी थक कर सो जाते होंगे क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी उठना है, और सुबह सबसे पहला उनका काम होता है अपने लिए भोजन की तलाश करना। तो मित्रों अब मैं आपको ले चलूँगी रणथंभौर के किले में। बहुत ऊंचाई पर था, उसी के सबसे टॉप पे था त्रिनेत्र श्री गणेश मंदिर। तो यहाँ से कम आधा घंटा लगा और ऊंचाई पर, क्योंकि हमारी सांस भी फूली। देखिए किला है, इस तरह से किला था और आप देख सकते हैं ये पत्थर, देखिए बड़े बड़े पत्थर थे और ऐसे ऊंचाई थी, और यह लंगूर बेशुमार, इतने लंगूर थे हम डर डर के बच बच के गए, क्योंकि वो प्रसाद को देखते ही झपट्टा मारते हैं, तो हमने थोड़ा सा उनको वैसे प्रसाद डाल दिया था। ये देखिए उनमें लड़ाई भी हो जाती है, और इतना देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर लंगूर है। जय श्री गणेशाय नमः। और चांस की बात है कि उस समय आरती शुरू हो गई थी, 12 बजे का समय था सुबह, और मित्रों हमारे लिए बहुत अच्छा रहा कि भीड़ बहुत कम थी, और जब हम लोग नीचे आए तो बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी, लेकिन हम लोग सही वक्त पर आए, हमने आरती में भी भाग लिया। दोस्तों क्योंकि धार्मिक आस्था लोगों में बहुत है तो लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। मित्रों किलों का अपना ही महत्व होता है, उस समय जो राजा होते थे शत्रुओं से रक्षा करने के लिए अभेद किले बना लेते थे ताकि यहीं से युद्ध लड़े जा सकें और शहर को राज्य को सुरक्षित किया जा सके। तो इन किलों में आकर बहुत ही अच्छा लगा, और कुंड में कहा था कि कुंड में स्नान न करें क्योंकि यहाँ जहरीले जीव जंतु हो सकते हैं, और वहाँ पर टपरी में चाय का अपना ही आनंद आया। तो वहाँ पर एक कुंड था, देखिए आप इस तरह से कुंड
आप देखिए लिखा हुआ था कि यहाँ मगरमच्छ भी हो सकते हैं यश बात कुंड में। बताना भूल गई कि वहां पर लोग छोटे छोटे पत्थरों के घर बना लेते हैं ताकि उनका मकान बन सके, एक उनकी एक मान्यता थी। दोस्तों मैं आपको लेकर आई हूँ सीता माता के मंदिर। यहाँ झरना है खूबसूरत, ये देखिए इतनी ऊंचाई पर। यहाँ पर हमें पहले तो हमें बहुत सारे बंदरों से पाला पड़ा, उसके बाद लंगूर भी थे यहाँ पर, उनसे बचते बचाते ऐसा पूरा पथरीला रास्ता ऊपर चढ़ते सीढ़ियाँ चढ़ते हम लोग झरने को देखने पहुँचे। ये काफ़ी ऊंचा था और ऊपर मंदिर था, वहाँ तक तो नहीं गए चोटी तक, लेकिन झरना ऊपर से बह रहा था, इसकी सुंदरता थी। बहुत सारे लोग वहाँ स्नान कर रहे थे झरने में। तो मित्रों एक मैं गुजारिश कर देती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरा व्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और आप शेयर भी कर सकते हैं। और मित्रों मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, और मेरे इस चैनल पर आपको ढेर सारी यात्राओं के व्लॉग मिलेंगे और भी बहुत बहुत कुछ मिलेगा। तो मित्रों मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये सीता मंदिर का ये कुंड है, यहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे, धार्मिक आस्था भी है इस कुंड की। दोस्तों जंगल सफारी तो नहीं की हमने, हमने सड़क पर ही एक सफारी की। तो देखिए बहुत ही मज़ा आया इस यात्रा का, एक वुमन एम्पावरमेंट जिसको बोलते हैं, ये उसका आप देख सकते हैं नज़ारा।